नमस्कार दोस्तों, मैं विजय अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा जमीन है, या आपने खरीदा है, या आपके दादा परदादा ने खरीदा, या किसी ने भी जमीन खरीदा है और उस जमीन का जो रसीद है जितना आपने खरीदा है उससे कम कट रहा है, तो कैसे आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आता है कि मान लो कि अगर आपने कोई जमीन खरीदा है, या आपके किसी भी ने, आपके दादा ने या आपके पिता ने कोई भी जमीन खरीदा है, वो जो जमीन है मान लो कि 5 कट्ठा है, और आपको जो है जब आप दाखिल खारिज कराए हैं तो उसका जो है 4 कट्ठा का उन्होंने कर दिया है, जिसके कारण जो है आपको 4 कट्ठा का ही रसीद कट रहा है। ऐसी स्थिति में 1 कट्ठा का जो जमीन है वो आपका उसका रसीद नहीं कटता है, जिसके कारण जो है आपका जो मालिकाना हक उस पर 1 कट्ठा के लिए कम पड़ जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये पता करना है कि आखिर कर्मचारी जी ने जो 4 कट्ठा का आपको जो रसीद काट के दिया है वो किस आधार पर काट के दिया है। अगर आप कर्मचारी से पूछते हैं, अगर वो नहीं बताता है तो आप अपने एरिया के सीईओ से पता कर सकते हैं। अगर सीईओ भी नहीं बताता है, वो सही से आपको जवाब नहीं देता है और आपको जो जवाब देता है उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं, सबसे पहले सूचना के अधिकार के माध्यम से आप इसका जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि सूचना का जो अधिकार है वो ऐसा कानून है जिसके हिसाब से जो कोई भी पब्लिक किसी भी अधिकारी से कोई भी जानकारी पूछ सकता है कि ये चीजें कैसे हुआ। इसके लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म जो है आपको कहीं भी लोकल स्टोर पर मिल जाएगा। वो फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को जाकर के जो है आपको अपने अंचल में जमा करना है। जब यह फॉर्म आप जमा कर देते हैं उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर जो है आपका इसका जवाब मिल जाता है। इस स्थिति में आपको जो है हर जिला में एक लोक अदालत होता है, उस लोक अदालत में आप जो जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप कर्मचारी या सीओ पे केस कर सकते हैं और उससे जान सकते हैं आप अपने जमीन के बारे में। तो वही प्रक्रिया है, आपको क्या करना है, लोक अदालत में जाके एक आवेदन देना है जिसमें पार्टी जो है आपको जो है वो जो सीईओ होगा उसको बनाना है, कर्मचारी अगर होगा तो उसको भी बनाना है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि वो जमीन जो बाकी बच रहा है वो किसके नाम से कट रहा है तो आप उसको भी पार्टी बना सकते हैं। जब आप वहां पे कंप्लेन कर देते हैं तो वहां से जो है जो सीईओ होता है या कर्मचारी होता है उनको नोटिस जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपने किस आधार पे किया है, और उनको वहां पे आके किसी भी हालत में जवाब देना ही पड़ेगा। अगर वहां से भी नहीं होता है तो आपके लिए जो तीसरा स्टेप बचता है कि आप जो जाकर के बंदोबस्त कार्यालय में कंप्लेन करें। बंदोबस्त कार्यालय में आपको सेम प्रोसेस करना है, वहां भी आपको जो पार्टी है वो सीईओ कर्मचारी या जिसके नाम से रसीद कट रहा होगा बाकी जमीन का उसको बनाना है, जिसके बाद वो लोग आकर के जवाब देंगे और उस जवाब के आधार पे जो भी सही होगा उस आधार पे आपको जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा कि ये जमीन आपका है और इतना आपका रसीद कटना चाहिए। उस रसीद के आधार पे आपको दोबारा जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद जो है बड़े मजे में जो कर्मचारी होगा या सीईओ होगा वो कर देगा दाखिल खारिज, और उसके बाद जो है आप अपने पूरे जमीन का रसीद कटवा सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत सारे परेशानी आपको हो सकता है, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा सारी चीजें जानकारी लेने में और इधर उधर करने में। तो अगर आप थोड़ा सा इतना परेशानी कर लेते हैं तो जो है आपका ये परेशानी दूर हो सकता है। अगर इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले, और हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com और vijaysolution.in, जहां पे जाकर के आप सारी चीजें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।